नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं अंकित वर्मा। मनीष कश्यप को लेकर बड़ी खबर आ रही है। तमिलनाडु पुलिस ने मनीष कश्यप पर NSA लगा दिया है। वहीं दूसरी तरफ बिहार के लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर मनीष कश्यप ने ऐसा क्या किया है कि इस तरह से पुलिस उन्हें एक अपराधी बना रही है। आपको बता दें, मनीष कश्यप पर आरोप है कि उन्होंने तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों पर हो रहे अत्याचारों के मामले में एक फेक वीडियो जारी किया था, जिसे लेकर ये पूरा बवाल खड़ा हो गया है। वहीं मनीष कश्यप के समर्थक जो है, उनके फैंस जो है, वो मानने को तैयार नहीं है कि उन्होंने कुछ गलत किया है। उनका कहना है कि मनीष कश्यप सिर्फ और सिर्फ नेताओं और सरकार की पोल खोलते हैं, इसकी वजह से सरकार और नेता उनसे चिढ़ी हुई है और बदले की कार्रवाई की वजह से पुलिस पर दबाव बना रही है कि मनीष कश्यप को बड़े से बड़ा अपराधी बना दिया जाए। सन ऑफ बिहार कहे जाने वाले मनीष कश्यप की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं। दरअसल अब उन पर NSA के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिसके बाद अब उन्हें 19 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। आपको बता दें कि मनीष कश्यप को फेक वीडियो पोस्ट करने के मामले में गिरफ्तार किया गया था, जिसमें तमिलनाडु में बिहार के प्रवासी मजदूरों पर कथित हमले के फर्जी वीडियो शेयर किए गए थे। इसी फेक वीडियो मामले में यूट्यूबर मनीष को मदुरई कोर्ट ने 19 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा है। इससे पहले कोर्ट ने मनीष को पुलिस कस्टडी में भेजा था। वहीं मनीष कश्यप के वकील की ओर से भी सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की गई है, जिसमें अलग अलग राज्यों में दर्ज FIR को एक साथ क्लब करने की मांग की गई है। पिछले हफ्ते ही तमिलनाडु पुलिस कोर्ट से प्रोडक्शन वारंट लेकर मनीष को पटना से तमिलनाडु पुलिस ले गई थी, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें मदुरई कोर्ट में पेश किया, जहां कोर्ट से पुलिस को 3 दिनों की रिमांड मिली। आपको बता दें कि इससे पहले मनीष कश्यप बिहार पुलिस की गिरफ्त में थे, जिसके बाद तमिलनाडु पुलिस की ओर से ट्रांजिट रिमांड पर उन्हें तमिलनाडु ले जाया गया। अब आपको बताते हैं कि क्या है NSA। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम को हम शॉर्ट फॉर्म में NSA कहते हैं। ये एक्ट 1980 में इंदिरा गांधी के शासनकाल में बना था। ये कानून देश की सुरक्षा के लिए सरकार को ज्यादा शक्ति देता है। इस कानून में केंद्र और राज्य सरकार को उन लोगों को गिरफ्तारी की शक्ति मिल जाती है, जिससे सरकार को लगता है कि वो देश के लिए खतरा हो सकते हैं। वहीं इस एक्ट के जरिए किसी संदिग्ध नागरिक या बिना किसी मतलब के देश में रह रहे नागरिक को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। इस कानून का इस्तेमाल पुलिस कमिश्नर, DM या राज्य सरकार कर सकती है। अब आपको बताते हैं कि अब तक मनीष कश्यप के साथ क्या क्या हुआ। फर्जी वीडियो वायरल करने के बाद मनीष कश्यप को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद पहले बिहार पुलिस ने उनसे पूछताछ की, इसके बाद उनके बैंक अकाउंट तक फ्रीज कर दिए गए, जिसमें 40 लाख से ज्यादा रुपए मिले। NSA से पहले मनीष कश्यप पर 4 FIR दर्ज हैं, इसमें 4थी FIR हाल ही में हुई है, जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने को लेकर है। इस मामले पर आर्थिक अपराध इकाई EOU ने मनीष कश्यप, रवि पुरी और अमित सिंह को नामजद किया है। यह FIR गुजरात अहमदाबाद के रहने वाले निशांत वर्मा ने दर्ज कराई है। निशांत वर्मा ने एक पुराना वीडियो भेजकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और एक धर्म विशेष पर अभद्र टिप्पणी का आरोप लगाया था। इसके बाद EOU की जांच में आरोप को सही पाया गया, इसके बाद मनीष कश्यप पर FIR दर्ज की गई। बहरहाल मनीष कश्यप पर एक के बाद एक बढ़ती मुश्किलें बिहार के लोगों के मन में कई सवाल खड़े कर रही हैं, क्योंकि बिहार में लोग मनीष कश्यप को मसीहा मानते हैं। गौरतलब है कि वीडियो वायरल होने के बाद मनीष कश्यप ने बिहार के डिप्टी CM तेजस्वी यादव को आगामी चुनाव में हराने की धमकी दे दी थी, साथ ही उन्हें 9वीं फेल भी कहा था। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।